हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है जिसके बहुत से फीचर्स मर जाते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हर आदमी रिसर्च करता है कि करेक्ट किस तरह आप फीचर्स को मेंटेन करें, किस तरह आप फीचर्स को बराबर मेंटेन करें और हेल्थी रखें, हैप्पी रखें। लेकिन फिर भी बावजूद भी बहुत से लोग फिशेस के साथ, गोल्ड फिश के साथ ख़ास तौर पर गलतियाँ करती हैं। हम भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं। देखिए, बहुत से गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपके फिशेस केयर करने के बावजूद, सब कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद भी आपके फिशेस मर जाती हैं। ज़्यादा दिन बइंग गोल्ड फिश बॉल और वेरी स्मॉल टैंक। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी टैंक में गोल्ड फिश को रखते हैं और या बॉल में रखते हैं। देखिए, मैं बता दूँ आप सबको कि ये गलत है। गोल्ड फिश बहुत जल्दी बड़ी होती है, यहाँ तक कि 1 फुट तक लॉन्ग बड़ी हो जाती है। इसलिए इसको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है ताकि स्विम करें और बहुत से ज़्यादा वेस्टेज भी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बहुत जल्द पानी गंदा हो जाता है। अगर आप छोटी टैंक में रखेंगे या बाउल में रखेंगे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो वेस्ट केमिकल में कन्वर्ट, हार्मफुल केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जगह छोटी होने की वजह से और पानी कम होने की वजह से, जिसकी वजह से ये फिशेस बहुत जल्दी मर जाती है। और दूसरा मिस्टेक ये है कि पुटिंग टू मैनी फिशेस इन टैंक। छोटी टैंक रहती है, बहुत सारे फिशेस डाल देते हैं, बहुत से मौलीज, गप्पीज बहुत से डाल देते हैं, जिनको जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। एक छोटी फिशेस में ज़्यादा, इसी तरह छोटी टैंक में ज़्यादा फिशेस रहेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस सिक होकर मर जाती हैं। और तीसरा प्रॉब्लम यह है, नॉट साइक्लिंग द टैंक। देखिए, फिशेस जो है बहुत सारा अमोनिया प्रोड्यूस करती है, जिसकी बहुत गलत, जो बहुत बैड है अनफॉर्चुनेटली स्विम करने के लिए और फिशेस के लिए। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है वो अमोनिया की वजह से, जो गंदगी से फिशेस के पैदा होता है, वो हार्मफुल बन जाता है। इसलिए आप फिशेस ख़रीदने से पहले साइकिल करें आपके टैंक को, मतलब जैसा आप नई फिशेस ला रहे हैं तो लाकर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस ना करें। पहले खाली जो पानी आप टैंक के अंदर पानी डालें, पानी के साथ फ़िल्टर सब फिट करके, हीटर फिट करके 2 दिन तक एम्प्टी टैंक चलाए, फुल एम्प्टी चलाए, जिसे 2 दिन चलने के बाद बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, उसके बाद आप फिश को इंट्रोड्यूस करें। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं, टैंक में लाए, पानी डाला और नई टैंक के अंदर फिशेस डाल दिए, जिसकी वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से फिशेस ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या है, मैं आपको बता दूँ कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो चीज़ है जो फिशेस के नशोनुमा के लिए रहता है। ये बहुत बेनिफिट है, जिसकी वजह से फिशेस रहती हैं। आप देख सकते हैं कभी कभी फिशेस जो है पत्थर पे या रॉक्स पे कुछ खाते रहते हैं, वो हमको नज़र नहीं आता लेकिन उनको नज़र आता है, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो खाकर हेल्थी रहते हैं। और चौथा प्रॉब्लम ये है, चौथा प्रॉब्लम है फीडिंग टू मच, फीडिंग प्रॉब्लम। देखिए, गोल्ड फिश को जो है स्टमच नहीं है, जिसका कारण ये है कि आप जितना भी फूड डालेंगे वो खाती रहेगी, जितना भी ज़्यादा डालेंगे आप खाती रहेंगी, कंटिन्यूस खाती रहेंगी, यहाँ तक कि वो सिक ना हो जाए, जिसकी वजह से फिश ज़्यादा खा कर मोटी हो जाती है, स्विम करने से प्रॉब्लम हो जाता है और जल्दी सिक होकर मर जाती है। इसलिए आप थोड़ा फूड डालें, डेली करके 2 टाइम्स डालें, 4 से 5 जन एक गोल्ड फिश को डालें, इस तरह आप फिट करेंगे तो ये फिश हैप्पी रहेगी और हेल्थी रहेगी। अगर ये मिस्टेक, ये तो कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से एक्वेरिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फूड फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फिशेस जो है बहुत जल्दी सिक हो जाती हैं। और ये भी कारण होता है कि जितना आप फूड डालेंगे उतना जल्दी वो वेस्टेज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये फिश को स्टमच नहीं रहता है, पेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से खाते ही फौरन वो बॉडी के पास होते हुए बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी पानी गंदा हो जाता है। और पांचवा प्रॉब्लम, मिस्टेक जो करते हैं, नॉट डूइंग एनफ वाटर चेंज। देखिए, जनरली आप सब जानते हैं कि गोल्ड फिश या कोई भी फिश हो, पानी का चेंज करना ज़रूरी है, इसलिए 25% पर वीक एटलीस्ट चेंज करें। पानी चेंज करने की वजह से क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्रीज होता है और अमोनिया और नाइट्रेट रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से फिशेस को हेल्थी रहने में हेल्प होता है। अगर पानी आप चेंज नहीं करेंगे तो पानी गंदा रहता है, जिसमें अमोनिया ज़्यादा बनता जाता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम होता जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फिशेस मर जाती हैं।
और छठवां प्रॉब्लम मिस्टेक ये है कि चेंजिंग टू मच वाटर एट वंस। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, एक 25% चेंज करने के बजाय बहुत पूरा पानी चेंज कर देते हैं, पुराना पानी निकाल देते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है, नए पानी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं रहता, जिसकी वजह से आप नए पानी में डालेंगे तो ये इनको शॉक लगता है, जैसे पानी की चेंजेस करने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, इस तरह पानी चेंज करने से पूरा फिशेस सीख हो जाते हैं। इसलिए ओनली 25% चेंज करें और महीने में एक बार ग्रेवल क्लीन करें, वैक्यूम क्लीनर मिलता है वो यूज़ करके ग्रेवल क्लीन करेंगे, तो इस तरह काफ़ी है, पूरा पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और सातवां जो है प्रॉब्लम मिस्टेक करते हैं, क्लीनिंग फिल्टर ग्रेवल एंड डेकोरेशन। देखिए क्लीनिंग फिल्टर और ग्रेवल जो भी रहता है बराबर से क्लीन नहीं करते, या हफ्ते में एक एक बार निकाल कर क्लीन कर देते हैं। देखिए ज़्यादा क्लीन करना भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस तरह आप क्लीन नहीं करते प्रॉब्लम होता है, इस तरह ज़्यादा क्लीन करने से ही प्रॉब्लम होता है। ये जो फिल्टर है ग्रेवल है डेकोरेशन है, इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बना रह जम के रहता है, उसके ऊपर रहता है जो फिशेस खाकर नशोनुमा होती हैं, खा उसे जीती हैं। आप एकदम हफ्ते में एक बार पूरा क्लीन कर देते हैं ग्रेवल, जो मेन चीज़ है फिल्टर है जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा क्लीन करने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए महीने में एक बार क्लीन करें बस काफ़ी है, रोज़ रोज़ या हफ्ते में क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार क्लीन किस तरह करें, पूरा वॉश ना करें, बस पानी में निकालें जो उसके अंदर का स्पॉन्ज रहता है, स्पॉन्ज क्लीन करें और थोड़ा क्लीन करके अंदर करें, सोप या कुछ दूसरी चीज़ इस्तेमाल करके, केमिकल यूज़ करके उसे क्लीन ना करें, मुश्किल होता है। इसलिए पूरा क्लीन ना करें, सिंपली क्लीन करें, महीने में एक बार क्लीन करें बस काफ़ी है। और आठवां प्रॉब्लम ये है, कीपिंग इनकॉम्पेटेबल फिश टुगेदर। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़िश लाते हैं और गोल्ड फिश के साथ बहुत से फ़िश डाल देते हैं, जैसा कोई कॉर्प बड़ी फ़िश है और बहुत से मिल्की कोई कॉर्प है, या टाइगर बर्ब है, या बड़े शार्क हैं, ऑस्कर, ऐसे फिश लाकर डाल देते हैं जिसकी वजह से ये इनकॉम्पेटेबल हो जाती है और सिक होकर मर जाती है। इसलिए उसकी कॉम्पेटेबल जो फ़िश है वही डालें, जैसा कि गोरामिस है, गप्पीस है, एंजल फिश है, शक्कर फिश है। चाहे तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं कि गोल्ड मेरे इस चैनल पर मौजूद है, गोल्ड फिश टैंक मेट्स, सिर्फ वही फिशेस को डालें, दूसरी फिशेस को ना डालें। अगर दूसरी फिशेस को डालेंगे तो ये फिशेस को प्रॉब्लम होकर एक दूसरे से अग्रेसिव होकर लड़कर या झगड़ के मर जाती हैं, या सिक हो जाती हैं, या अग्रेसिव हो जाती हैं, अग्रेसिव होने की वजह से सिक हो जाती हैं और मरने का कारण बनता है। और नवा प्रॉब्लम ये है, नवा मिस्टेक जो करते हैं हम लोग, बाइंग पुअर क्वालिटी फिश और नॉट इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपरली। एक तो बराबर फिश नहीं खरीदते, मतलब जो खरीद कर लाते हैं वो पहले ही सिक होकर रहती है, या इल रहती है, या हेल्थी नहीं रहती जो फ़िश खरीद कर लाते हैं, या लाते हैं तो उसको बराबर इंट्रोड्यूस नहीं करते। देखिए फ़िश किस तरह आप देख सकते हैं कि हेल्थी है या नहीं, आप फिशेस एक्वेरियम पेस्टोर में जाइए, जाकर देखें कि उसके अंदर कुछ फिशेस मरी हुई हैं तो वो फिशेस ना करें, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़िश मरकर रहती है, उसकी वजह से अमोनिया नाइट्रेट ज़्यादा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से फ़िश सिक हो जाती हैं, या फिशेस ऑलरेडी इल रहती हैं, एक्टिव नहीं रहती, वो भी फिश लेकर आ जाते हैं, वो जिसे वो फिश ज़्यादा दिन तक नहीं जीती। और बहुत से पेट स्टोर में जो फिश एक्वेरियम स्टोर में है वो प्रॉपर फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर हीटर का इस्तेमाल नहीं करते, बस ऐसे ही रखे रहते हैं एक टैंक के अंदर, क्लीन नहीं रखते। उस स्टोर से आप फिशेस लेकर आएंगे तो ऑलरेडी इल रहती है, आप लाकर इंट्रोड्यूस करने के बाद थोड़े दिन बाद मर जाती है। इसलिए अच्छा एक्वेरियम स्टोर से ख़रीदे जो क्लीन रहे, क्लियर रहे, और प्रॉपर हर टैंक में हीटर का इस्तेमाल करें और हर टैंक में फ़िल्टर का भी इस्तेमाल करें वो लोग, और ऐसे फिशेस को लेकर आएँ। और अगर आप सही लेकर आ रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, अगर नहीं ला रहे तो देख कर लाएँ, अगर सही लाए फिर भी प्रॉपर इंट्रोड्यूस ना करें, यानी कि आप फिश लेकर आए डायरेक्ट डाल दिया, फिर पानी के अंदर टेम्परेचर सेट नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिए, जिसकी वजह से ये फिशेस बहुत जल्दी थोड़े दिन के बाद या बहुत जल्दी मर जाती हैं, या सिक होकर रहती हैं, या फूड बराबर नहीं खाती, या नीचे ही बढ़ जाती है, ऊपर नहीं आती, क्योंकि सिक रहती है, इल रहती है। इसका रीज़न ये है, इसलिए आप प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें। आप एक मेरा वीडियो भी मौजूद है इस चैनल पर कि हाउ टू इंट्रोड्यूस न्यू फिश इन टैंक, ये वीडियो देखिए आपको ज़्यादा डिटेल्स के लिए, आप उसको फॉलो अप करें तो इस तरह
करेंगे तो आप की फिशेज जल्दी नहीं मरेंगी और लॉन्ग लाइफ रहेगी। और दसवां और लास्ट मिस्टेक जो कर रहे हैं हम लोग फिशेस के साथ, गोल्ड फिशेस के साथ, वो ये है कि नॉट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फ़िल्टर। अप्रोप्रिएट फ़िल्टर यूज़ नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा था कि गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी पानी गंदा हो जाता है और वो बैक्टीरिया जो रहता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस को प्रॉब्लम होता है, सीक हो जाती हैं, फूड नहीं खाती, वाइट डॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर, ब्लॉक डॉट्स आ जाते हैं, बहुत सी बीमारियाँ डिसीज़ उसको अटैक हो जाती हैं। इसलिए प्रॉपर फ़िल्टर इस्तेमाल करें, यानी प्रॉपर फ़िल्टर यानी बहुत दो टाइप फ़िल्टर आते हैं, इंटरनल फ़िल्टर आता है, एक्सटर्नल फ़िल्टर आता है। इंटरनल फ़िल्टर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी टैंक रहती है छोटा फ़िल्टर डालते हैं, या छोटी टैंक है बड़ी फ़िल्टर डालते हैं। बड़ी फ़िल्टर डालने की वजह से छोटी टैंक में ओवरफ्लो पानी होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो भी कारण मच्छी फिशेस को प्रॉब्लम होता है। छोटी टैंक बड़ी टैंक में छोटा फ़िल्टर डालते हैं जो पानी बराबर फ्लो नहीं होता, या ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस ज़्यादा बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करता फ़िल्टर छोटा होने की वजह से, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्रॉपर फ़िल्टर इस्तेमाल करें। तो बस आज का वीडियो यही था दोस्तों। मैं बता दूं कि लास्ट में एक बात कि बहुत से लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपकी फ़िशेस बराबर खाना नहीं, बराबर फूड नहीं खाती, नीचे ही बैठी रहती है, एक्टिव नहीं रहती, ये सब कारण है जिसकी वजह से आपकी फ़िशेस एक्टिव नहीं रहती, हेल्थी नहीं रहती, बहुत जल्दी सीक होकर मर जाती है। तो इसको आप फॉलोअप करें, ये मिस्टेक को अवॉइड करें, तो आपकी फ़िशेस ज़रूर हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। तो इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो इस चैनल को, इस वीडियो को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, आंसर हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं हर एक दिन में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।